ठीक है बच्चों, तो कल हम लोग जो है लिफ्ट मैन प्रॉब्लम देख रहे थे। एक बार उसको रिवाइज करते हैं, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, तो लिफ्ट मैन प्रॉब्लम जो हमारे हैं उसमें ध्यान से देखो। लिफ्ट मैन प्रॉब्लम्स, ठीक। तो लिफ्ट मैन प्रॉब्लम्स में हमने देखा कि लिफ्ट अगर ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करे, ठीक, और लिफ्ट सबसे पहले इसमें एक्सेलरेशन या तो जीरो होगा, या तो वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगी, या तो नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगी। सही है क्या? अगर ऐसा होगा, इसमें और भी दो केसेस थे, और दो केसेस क्या है बोलो? ऊपर की तरफ रिटार्ड करेगी, ठीक है ना, या नीचे की तरफ रिटार्ड करेगी, ठीक है ना, ऐसा कुछ है। ठीक, तो बताओ क्या होगा? एक्सेलरेशन अगर जीरो होगा तो एन इक्वल्स टू एम जी होता है, जो एपरेंट वेट होगा वही एक्चुअल होगा। ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा तो एम इक्वल्स टू एम जी प्लस एम ए था, इसमें से एम को कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा बोलो? जी प्लस ए, ठीक है ना, ऊपर की तरफ एक्सेलरेट किया तो जी प्लस ए। तो ऊपर की तरफ अगर लिफ्ट एक्सेलरेट करती है तो पर्सन भारी फील करेगा, हल्का फील करेगा, भारी फील करेगा, है ना, उसको लगेगा कि वजन हो गया, मैं उसको मेरा वजन बढ़ गया, ठीक है ना। नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगी लिफ्ट तो क्या होगा बोलो? एम जी माइनस एम ए, तो एम इंटू जी माइनस ए। यहाँ तक क्लियर है? तो अब याद कर लो उसको। ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा तो भारी फील करेगा, मतलब एम इंटू जी प्लस ए। नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा तो हल्का फील करेगा, एम इंटू जी माइनस ए, ठीक है ना। अब ऊपर की तरफ भारी फील कर रहा है तो जी प्लस ए, नीचे की तरफ हल्का फील कर रहा है तो जी माइनस ए। तो अब ऊपर की तरफ रिटार्ड करेगा तो उसका उल्टा करना है। ऊपर में क्या फील कर रहा था? भारी फील कर रहा था, तो ऊपर की तरफ रिटार्ड करेगा तो हल्का फील करेगा, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा बोलो? एम इंटू जी माइनस ए, और नीचे की तरफ रिटार्ड करेगा तो एम इंटू जी प्लस ए। क्या आपको बात समझ आई? क्लियर है क्या? ऐसा है तो ये अपने को समझ में आता है। क्या समझा बोलो? अपने को यहां से समझा, यहां से अब चीजें याद हो गई। ये याद हो गया तो बाकी दोनों में उल्टा करना है, ये तो याद रहता ही है बच्चों को, ठीक है। डाउनवर्ड एक्सेलरेशन में तीन केसेस बनते हैं, वो आपको बता दिया था मैंने कल, ठीक है। यहां पर पूरा उसको समराइज कर दिया, आपके टिप्स पे लेकर आ रहा हूं मैं उसको, ध्यान से सुनो। ऊपर की तरफ अगर रेस्ट पर है तो क्या होगा? एम जी। मैं क्या बोल रहा हूं? नॉर्मल रिएक्शन, मतलब वेइंग मशीन की रीडिंग बोलो। एक्सेलरेट नहीं करेगा, एक्सेलरेट नहीं करेगा मतलब या तो रेस्ट पर है लिफ्ट, या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, तो क्या होगा? एन इक्वल्स टू एम जी। ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा तो एम इंटू जी प्लस ए, नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा तो एम इंटू जी माइनस ए। ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा तो भारी फील करेगा मतलब जी प्लस ए, तो ऊपर की तरफ रिटार्ड करेगा तो एम इंटू जी माइनस ए, नीचे की तरफ रिटार्ड करेगा तो एम इंटू जी प्लस ए। उल्टा कर देना उसको। क्लियर है? समझ में आ रहा है? इसके बाद जब नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है उसमें तीन केसेस बन सकते हैं, ए जी से कम, ए जी के बराबर, ए जी से ज्यादा। अगर ए जी से कम है तो क्या फील करेगा वो? हल्का फील करेगा। ए जी के बराबर है तो वेटलेस फील करेगा, कॉन्टैक्ट छोड़ देगा, वेटलेस फील करेगा। ए जी से ज्यादा है तो हाँ, कॉन्टैक्ट छोड़ देगा और सीलिंग को जाके स्टिक हो जाएगा। समझ आया? सारे केसेस याद करा दिया आपको मैंने, ठीक है ना। चलो भाई बोलो, हटाओ उसको। लिफ्ट मैन प्रॉब्लम में कौन कौन से केसेस है बताओ बोलो? ए जीरो है ना, ए जीरो, उसके बाद ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन, या फिर नीचे की तरफ एक्सेलरेशन, या फिर ऊपर की तरफ रिटार्डेशन, या फिर नीचे की तरफ रिटार्डेशन। ए जीरो का क्या मतलब है? या तो लिफ्ट रेस्ट पर है, या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, तो नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर? एम जी के बराबर। नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर? एम जी के बराबर। ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करा तो भारी फील करेगा, नॉर्मल रिएक्शन एम इंटू जी प्लस है। नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है तो हल्का फील करेगा, एम एन इक्वल्स टू एम इंटू जी माइनस है। ऊपर की तरफ रिटार्ड कर रहा है तो एम इंटू जी माइनस है। नीचे की तरफ रिटार्ड कर रहा है तो एम इंटू जी प्लस ए। वेरी गुड। नीचे की तरफ एक्सेलरेट करने में तीन केसेस हैं, कौन कौन सा बोलो? ए लेस देन जी, ए इक्वल टू जी, ए ग्रेटर देन जी। ए लेस देन जी में बोलो कॉन्टैक्ट होगा, हल्का फील करेगा। ए इक्वल टू जी में फ्री फॉल होगा, फ्री फॉल बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? फ्री फॉल। कॉन्टैक्ट छोड़ देगा, फ्री फॉल करेगा, ठीक है ना। उसके बाद ए ग्रेटर देन जी में कॉन्टैक्ट छोड़ देगा, सीलिंग को जाके स्टिक हो जाएगा। क्या आपको बात समझ आई? ऐसा है, ठीक है ना, बस हो गया। तो
तो इसको याद रखना है, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। याद रखने वाली बात बस ये है कि ऊपर की तरफ एक्सेलरेट किया तो m into g plus a, नीचे की तरफ एक्सेलरेट किया तो m into g minus a, बस बाकी आप कर लेंगे, ठीक है ना। आई होप समझ में आया है। चलो सवाल देखते हैं, क्या कहता है ये। अ पर्सन ऑफ मास 50 किलोग्राम इज इन अ मूविंग लिफ्ट, फाइंड आउट अपेरेंट वेट। अपेरेंट वेट कल लिखाया था मैंने, वेट अपेरेंट क्या होता है बोलो, वेट अपेरेंट इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन। क्या निकालना है, नॉर्मल रिएक्शन। वेट एक्चुअली इज इक्वल टू mg। बोलो इफ द लिफ्ट इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड। अरे अपवर्ड आया, अपवर्ड में नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, m into g plus a। एकदम आप फास्ट, सुपर फास्ट कर लेंगे। मास कितना है बोलो, 50। g का वैल्यू 10, a का वैल्यू 2, बोलो कितना आएगा, 50 into 12, 600 न्यूटन। 12 × 5 = 60 × 0। क्या आपको बात समझ आई, ऐसे आ गया। कोई डायग्राम वाइग्राम बनाने की जरूरत नहीं, जो डायग्राम बनाना था, जो इक्वेशन लिखना था कल लिख लिया हमने, अब ने डायरेक्ट इक्वेशन याद कर ली, खट से आंसर, ठीक है। चलो भाई इसका बताओ जल्दी से। एन एक्सेलेरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड, बोलो m इनटू क्या आएगा, g माइनस a, बोलो 50, 10 - 2, 50 × 8, 8 × 5 = 40, 400 न्यूटन, यहां पर 600 न्यूटन। क्लियर है क्या, सब चलते हैं। चलो देखो क्या बोलता है, अ पर्सन ऑफ मास 50 किलोग्राम इज इन अपवर्ड मूविंग लिफ्ट, ठीक है ना, 50 किलोग्राम का ठीक है आदमी है, वो अपवर्ड मूविंग लिफ्ट में जा रहा है। फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट सो दैट पर्सन मेजर्स हिज वेट ऑफ 600 न्यूटन। ऊपर की तरफ वो क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, बोला है ना एक्सेलरेशन निकालने, बोला है मतलब ऊपर की तरफ क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अगर ऐसा है बोलो, नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, ऊपर की तरफ के लिए क्या होता है, m into g plus a। अभी तो बताया अपवर्ड में क्या होता है नॉर्मल रिएक्शन, m into g plus a, नॉर्मल रिएक्शन। ही मेजर्स हिज वेट, ही मेजर्स हिज वेट। वेट कैसे मेजर करेगा, मशीन में। मशीन क्या बताता है, एक्चुअल वेट क्या, अपेरेंट, अपेरेंट मतलब वो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू है। तो ये जाएगा 600, मास कितना है 50, g का वैल्यू 10, a का वैल्यू निकालना है। चलो फाइंड आउट 2 m/s। अच्छा ये कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए कि इसने तो बोला अपवर्ड मूविंग, क्या बोला उसने, अपवर्ड मूविंग, कहां आप मूव कर रहे हैं इसका लेना देना वेलोसिटी से। अगर आप अपवर्ड मूव कर रहे हैं, लिफ्ट अपवर्ड मूव कर रही है, मतलब इसकी वेलोसिटी क्या है अपवर्ड डायरेक्शन में, नहीं समझा। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर मूव कर रहा हूं ईस्ट डायरेक्शन में, तो क्या मैं ये बोलूंगा मेरा एक्सेलरेशन ईस्ट में है। मैं अगर बोलूंगा मैं ईस्ट में मूव कर रहा हूं, तो मोशन जिस डायरेक्शन में बताया जा रहा है उस डायरेक्शन में एक्चुअली वेलोसिटी है। एक्सेलरेशन हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक। एग्जांपल देता हूं मैं, आपने प्रोजेक्टाइल थ्रो किया, ये तो इधर मूव कर रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन हर पॉइंट पे कहां है, डाउनवर्ड है, उसके मोशन के डायरेक्शन में थोड़ी है। अगर वो मोशन का डायरेक्शन बोले, इसका मतलब वो वेलोसिटी का डायरेक्शन बोल रहा है। बात समझ आई, ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है ना। तो यहां पर बोला है कि पर्सन ऑफ मास इज मूविंग अपवर्ड इन अ लिफ्ट, तो वेलोसिटी अपवर्ड है, एक्सेलरेशन का है नहीं मालूम है। एक्सेलरेशन ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता था। अब ध्यान से सुनना, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट सो दैट पर्सन मेजर इज वेट 600 न्यूटन। उसका वेट अपेरेंट यानी नॉर्मल रिएक्शन कितना आ रहा है, 600 न्यूटन। अब देखो ध्यान से, उसका एक्चुअल वेट है कितना, 500 न्यूटन। mg से आएगा ना एक्चुअल वेट, तो उसका एक्चुअल वेट कितना है, 500 न्यूटन। इसका मतलब अपेरेंट वेट ज्यादा है। ज्यादा कब होता है, जब वो ऊपर की तरफ क्या करे, एक्सेलरेट करे, तो इस वजह से ऊपर की तरफ क्या कर रहा है, वो एक्सेलरेट कर रहा है। तो आपको बात समझ आई, इसलिए हमने वो इक्वेशन लगाई है। तो आपको बात समझ आई, चलो भैया आई होप समझ आया। आगे, व्हेन अ लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ए, बोला है अपवर्ड जा रहे, रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन इज 56 किलोग्राम वेट। वेइंग मशीन की रीडिंग कितनी है बताओ, 56 किलोग्राम वेट, मतलब नॉर्मल रिएक्शन कितना है, 560 न्यूटन है। किलोग्राम वेट को न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनटू 10 करना पड़ेगा, समझ आया, ठीक है। तो ये नॉर्मल रिएक्शन है अपेरेंट वेट। व्हेन लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ए विद एक्सेलरेशन ए, रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन इज 440 न्यूटन। देन फाइंड द एक्चुअल वेट ऑफ द पर्सन, क्या निकालना है,
एक्चुअल लिमिट, मतलब क्या निकालना है, एम जी निकालना है। एम जी निकालने में क्या निकालना पड़ेगा, एम निकालना पड़ेगा। अगर मास मिल गया तो क्या मिल जाएगा, एक्चुअल वेट मिल जाएगा। क्या आपको बात समझ आई? चलो बताओ। चलो अपवर्ड अगर लिफ्ट मूव कर रही है, बोलो लिफ्ट अपवर्ड मूव करती है, एक्सेलरेट करती है अगर ऊपर की तरफ, तो नॉर्मल रिएक्शन कितना आता है, एम इंटू जी प्लस ए, है ना, तो एम इंटू जी प्लस ए, सही है। अब अपवर्ड में कितना है नॉर्मल रिएक्शन, 560, मास निकालना है, जी का वैल्यू 10, ए का वैल्यू ए ही बोला है, ए का वैल्यू तो यही है ना, कुछ बोला नहीं, ए एक्सेलरेशन बोला है, ठीक है। चलो भाई अब बताओ क्या करना पड़ेगा। अच्छा ये इक्वेशन वन हो गई फिर, ठीक है, ये क्या हो गई, इक्वेशन वन हो गई, ठीक है। अब बताओ, अच्छा इसको सॉल्व भी कर लो ताकि दो इक्वेशन मिल जाए, 560 10 एम प्लस एम इंटू ए आ जाएगा, सही है ना, इसको इक्वेशन वन बोल दो। आगे बताओ, डाउनवर्ड एक्सेलरेट करेगा, बोलो बोलो क्या आएगा, एम इंटू जी माइनस से, नॉर्मल नॉर्मल रिएक्शन डाउनवर्ड पे कितना है, 440 मास 10 माइनस ए, सही है, तो 440 इज इक्वल टू 10 एम माइनस एम ए, दो इक्वेशन बन गई, ठीक है ना। अब बताओ यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, बोलो ऐड करना पड़ेगा ना सीधा, 10 एम प्लस एम ए, सही है, और ये बोलो क्या आएगा, 440 इक्वल्स टू 10 एम माइनस एम ए, ये तो कैंसिल हो गया, ये क्या बचा, 20 एम बचा, सही है, ये कितना हो जाएगा बोलो, इसको ऐड कर लो, 1000 हो जाएगा, 1000 हो गया, ठीक है, 40 ऐड करो, 600 प्लस 400, 0 कैंसिल हो गया, एम का वैल्यू 50 आया, एम का वैल्यू आया 50 किलोग्राम। अब एक्चुअल वेट का फॉर्मूला बोलो, बोलो एम जी, मास 50 है, जी का वैल्यू 10 है, तो कितना आया, 500 न्यूटन आया, क्लियर है, ऐसे सॉल्व करेंगे। चलो क्वेश्चन ट्राई करेंगे सब, बिगिनर्स बॉक्स का क्वेश्चन है। अ पर्सन ऑफ मास m किलोग्राम इज स्टैंडिंग ऑन अ लिफ्ट, इफ द लिफ्ट मूव्स वर्टिकली अपवर्ड अकॉर्डिंग टू द गिवन वीटी ग्राफ, फाइंड आउट वेट ऑफ मैन एट द फॉलोइंग इंस्टेंट्स, कब कब निकालना है वेट बताओ, 1 सेकंड पे पता करना है, फिर 8 सेकंड पे पता करना है, फिर 12 सेकंड पे पता करना है, ठीक है, स्टार्ट। कैसे सॉल्व करेंगे, सोचने को टाइम दिया आपको मैंने, सफिशिएंट बताओ क्या करने का, अ पर्सन ऑफ मास एम इज स्टैंडिंग ऑन अ लिफ्ट, स्टैंडिंग ऑन अ लिफ्ट मतलब यहाँ वेइंग मशीन है, इस पे पर्सन खड़ा हुआ है, इसका मास क्या है, एम है, लिफ्ट इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड, उसकी वेलोसिटी ऊपर के डायरेक्शन में है, अकॉर्डिंग टू द गिवन वीटी ग्राफ देन फाइंड आउट वेट ऑफ द मैन एट फॉलोइंग इंस्टेंट्स, ठीक है, 1 सेकेंड पर पता करना है वेट कितना है, 8 सेकेंड पर पता करना है और 12 सेकेंड पर पता करना है। अगर वेट पता करना है, लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये वाले इंटरवल में अगर मैं देखूं तो यहां पर उसकी स्पीड बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है मतलब, अच्छा सुनो, स्पीड बढ़ने का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेट होना, मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन, गलत, ऐसे याद नहीं रखने का है, स्पीड बढ़ने का मतलब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, समझा देता हूँ, वेलोसिटी इधर, एक्सेलरेशन भी इधर, तो स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी, सही, दोनों पॉजिटिव थे ना, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो आप ये बोलोगे स्पीड बढ़ेगी, वेलोसिटी इधर, एक्सेलरेशन भी इधर, वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, अरे ये पॉजिटिव आई एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, वही बोलो माइनस ए, एक्सेलरेशन कैसा है, तो क्या बोलेंगे आप, वेलोसिटी बढ़ेगी घटेगी, घटेगी ना, एक्सेलरेशन तो नेगेटिव है, नहीं सोचना है आपको, ये प्लस माइनस से नहीं सोचना है, ये देखना है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर सेम डायरेक्शन में, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, इसमें भी स्पीड बढ़ेगी भाई, समझे, मैंने पहले भी डिस्कस किया है पॉइंट, फिर बता रहा हूं मैं आपको, अगर ऐसा हो जाए वेलोसिटी इधर और एक्सेलरेशन इधर, अब बताओ स्पीड कम होगी, तो स्पीड बढ़ने घटने का जो लेना देना है वो इसके साइन से नहीं है, वो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के डायरेक्शन से है, क्या आपको मेरी बात समझ आई, अगर वेलोसिटी एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में तो स्पीड बढ़ेगी, यहां पर भी सेम डायरेक्शन में तो स्पीड बढ़ेगी,
अपोजिट में है तो स्पीड घटेगी, याद रहेगा ये, बताया था आपको मैंने, पहले भी डिस्कस किया है पॉइंट मैंने, ठीक है। चलो भैया आओ, तो अगर आप गौर से देखेंगे तो ये वाले पोर्शन में इस इंस्टेंट पे अपने को क्या निकालना है, वेट निकालना है। इससे स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है, और ये लिफ्ट कहां जा रही है, ऊपर। स्पीड बढ़ने का मतलब एक्सेलरेशन भी ऊपर ही होगा, क्या आपको बात समझ आई? स्पीड बढ़ने का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन ऊपर ही हो, तभी तो ये हो जाएगा ना, एक्सेलरेशन ऊपर होगा तभी तो उसकी स्पीड बढ़ रही है। अरे समझा क्या, स्पीड कब बढ़ेगी, जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, लिफ्ट ऊपर जा रही है मतलब उसकी वेलोसिटी ऊपर है, अब एक्सेलरेशन कहां है वो सोचना पड़ेगा, है ना, ऐसा है। तो यहां पर समझ में आ रहा है, एक सेकंड पे अगर पता करना है तो यहां पर उसकी स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है, इस इंटरवल में स्पीड क्या है, कॉन्स्टेंट, और इस इंटरवल में स्पीड क्या हो रही है, घट रही है, क्या आपको बात समझ आई, ऐसा है। अब बताओ क्या होगा, फटाफट से बोलो क्या करना पड़ेगा, अगर ये दो एक्सेलरेशन ऊपर के डायरेक्शन में, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, एम इन टू जी प्लस ए, याद कराया आपको मैंने, नॉर्मल रिएक्शन अपने को पता करना है, यानी उसका वेट पता करना है। बोलो जल्दी से, एम मास कितना है, एम है, जी का वैल्यू 10 है, एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, अरे वी टी ग्राफ का स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन निकाल लो। बोलो ये क्या है, बोलो 2, 20, ये क्या है 0, 0, बोलो क्या होगा, ये आएगा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, है ना, 20 - 0 / 2 - 0, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 20 m, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड वाले में क्या आया, 20 m, पहला केस हो गया। दूसरे केस में क्या करेंगे बोलो, कौन से टाइम पे निकालना है, 8 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो वेट अपेरेंट क्या आता है, mg के बराबर, वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन जीरो, और एक्सेलरेशन जीरो में नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर आता है, mg के बराबर, यहाँ पर मास क्या है, कैपिटल m और g, तो क्या लिखेंगे बोलो, हाँ 10 m लिखेंगे, आप उसको क्लियर है क्या, चलो भाई समझ में आता है। तीसरा पॉइंट क्या है, 12 सेकंड पे पता करना है, 12 सेकंड पे वेलोसिटी क्या हो रही है, घट रही है, ये ऊपर जा रहा है, वेलोसिटी घट रही है, मतलब ऊपर की तरफ ये क्या कर रहा होगा, रिटार्ड कर रहा होगा, ऊपर की तरफ क्या कर रहा है, रिटार्ड कर रहा है, अगर ऊपर की तरफ रिटार्ड कर रहा है तो बोलो क्या होगा, m इन टू जी माइनस ए, बस समझ आई। अब बताओ इसका स्लोप बताओ, इसके स्लोप का सिर्फ मैग्नीट्यूड पुट करना है, क्योंकि माइनस साइन ऑलरेडी ले लिया हमने, है ना, चलो भाई स्लोप बताओ कितना आएगा इसका, ये पॉइंट क्या है बोलो, 14, 0, ये वाला पॉइंट क्या है, 10, 20, सही है, बोलो कितना आएगा, y2 - y1 20/x2 - x1 कितना आएगा, -4, कितना आ जाएगा, -5, लेकिन सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, बोलो कितना आएगा, g माइनस ए, बोलो m, और ये क्या होगा, 10 - 5, यानी क्या आएगा, 5 m, ऐसे सॉल्व करेंगे, क्लियर है क्या, तो ये भी सवाल हो गया हमारा, चलो अभी कर लो, अच्छा सवाल था ये, अभी हो गया, हाँ चलो ये देखो, वॉट विल हैपन टू द रीडिंग ऑफ बैलेंस व्हेन अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन इट जंप्स ऑफ इट, क्या मतलब, पहले पर्सन जो है ये कहीं लिफ्ट विफ्ट वाली बात नहीं कर रहा है, पर्सन वेइंग मशीन पे खड़ा है, ठीक, अब वो क्या करता है, यहां से जंप करता है, या तो आगे या तो पीछे, कहीं भी जंप करता है, ठीक है ना, तो बताओ उसकी रीडिंग पे क्या फर्क पड़ेगा, बोलो उसकी रीडिंग पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या रीडिंग इंक्रीज होगी, क्या डिक्रीज होगी, उसके बाद इंक्रीज होगी फिर डिक्रीज होगी, या पहले डिक्रीज होके फिर इंक्रीज होगी, क्यों ऐसा, हाँ एग्जैक्टली, वेइंग मशीन में प्रेशर गेज लगा हुआ होता है, वो प्रेशर मेजर करता है कितनी जोर से पुश कर रहा है उसको, तो जम कैसे करेंगे, ऐसे खड़े खड़े जम थोड़ी कर पाएंगे, जम करने के लिए पहले नीचे पुश करना पड़ता है, ऐसे ही होगा, तो जैसे ही आप क्या करेंगे, पुश करेंगे उसको जम करने के लिए, तो आप क्या कर देंगे, इसको ज्यादा जोर से दबा देंगे, तो इससे क्या होगा बोलो, उससे उसकी रीडिंग इंक्रीज हो जाएगी, उसके बाद आप जम कर गए तो क्या होगा, कॉन्टैक्ट छूट गया तो अब क्या होगा, रीडिंग डिक्रीज हो जाएगी, बस समझ आई, तो थर्ड ऑप्शन आएगा, सबको क्लियर है क्या, जगह छोड़ दो, ऐड कर लेना क्वेश्चन जो पीडीएफ मिलेगा, तो ठीक है चलो, उसके बाद हाँ ये एक अच्छा सवाल है, Among the following, in which cases weighing machine reading will increase? इनमें से कौन से केस में weighing machine की रीडिंग बढ़ेगी? याद रखना क्या बोल रहा हूं मैं, मोशन अगर बोल रहा है अपवर्ड मूविंग, तो उसका लेना देना वेलोसिटी से है, एक्सेलरेशन से नहीं है, अपवर्ड मूविंग मतलब उसकी वेलोसिटी ऊपर है,
अपवर्ड मूविंग मतलब वेलोसिटी ऊपर है, डाउनवर्ड मूविंग मतलब वेलोसिटी नीचे है, डाउनवर्ड मूविंग मतलब वेलोसिटी नीचे। अब उसके आगे देखना है, समझ आ रहा है क्या? चलो आगे बताओ, पहले केस में बताओ, पहले केस में वेलोसिटी अपवर्ड मूविंग मतलब वेलोसिटी ऊपर है, विथ इंक्रीजिंग स्पीड, स्पीड बढ़ रही है मतलब एक्सेलरेशन भी वही होगा, एक्सेलरेशन ऊपर मतलब रीडिंग ज्यादा बताएगा वो, तो पहले केस में क्या होगा, रीडिंग बढ़ेगी, समझ गए? सेकंड चेक करो, मल्टीपल आंसर है इसके अंदर, बोलो। अपवर्ड मूविंग लिफ्ट मतलब वेलोसिटी ऊपर है, आगे डिक्रीजिंग स्पीड, हाँ एक्सेलरेशन हो सकता है नीचे हो, नीचे जाएगा तो रीडिंग कम होगी, ये ऑप्शन नहीं है। इंक्रीज इन वेट बताना है, इंक्रीजिंग अपेरेंट वेट, ये बताओ। डाउनवर्ड मूविंग विद इंक्रीजिंग स्पीड, वेलोसिटी नीचे है, स्पीड बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन भी नीचे ही होगा, है ना? अब बताओ, नीचे अगर एक्सेलरेट करेगा तो, नीचे एक्सेलरेट करेगा तो रीडिंग घटेगी, ऊपर एक्सेलरेट करेगा तो रीडिंग बढ़ेगी, वेट बढ़ेगा, समझे क्या? चलो उसका बताओ, डाउनवर्ड मूविंग मतलब नीचे, वेलोसिटी नीचे, आगे विद डिक्रीजिंग स्पीड मतलब एक्सेलरेशन ऊपर है, एक्सेलरेशन ऊपर मतलब रीडिंग बढ़ेगी, तो उसमें फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन सही। क्या आपको समझा? ये बहुत कंफ्यूजिंग रहता है बच्चों के लिए, बस याद रखना मोशन का डायरेक्शन बताया अपवर्ड डाउनवर्ड, तो वो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नहीं है, वो वेलोसिटी का डायरेक्शन है, और वेइंग मशीन की रीडिंग बढ़ेगी या घटेगी ये वेलोसिटी पे नहीं एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है, समझे? तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, आगे का स्टेटमेंट पढ़ के एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बताना पड़ेगा और फिर रीडिंग देखनी पड़ेगी बढ़ेगी या घटेगी। क्लियर है क्या? चलो कॉपी कर लो उसको आगे। चलो इसका बताओ, अ बॉक्स इज फायर्ड फ्रॉम अ लार्ज कैनन विद अ पर्सन ऑफ मास 60 किलोग्राम इन इट स्टैंडिंग ऑन अ वेइंग मशीन, व्हाट विल बी इट्स रीडिंग व्हेन बॉक्स इज एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रेजेक्टरी। बोलो उसका मास कितना है, 60 किलो, तो वेट कितना बताएगा होगा, एक्चुअली इसका 600 न्यूटन कितना होगा, 600 न्यूटन। अब उसको क्या करते हैं, कैनन में डाल के फायर कर देते हैं, बस समझ आई, ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या है, ये डब्बा है और उसको क्या करते हैं, कैनन में डाला और उसको क्या कर दिया, फायर कर दिया। वो किस पे खड़ा है, वेइंग मशीन पे खड़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली ये प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगा। सवाल ये है कि प्रोजेक्टाइल मोशन जब परफॉर्म कर रहा है तो उसके हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने पर वेइंग मशीन क्या रीडिंग बताएगा, क्यों जीरो क्यों बताएगा, ये बताओ। जीरो बताएगा तो क्यों बताएगा, 60 तो नहीं बताएगा, 600 न्यूटन हाँ, क्यों बताएगा, हाँ ऊपर जाने पर क्या होगा, उसके बाद ना हमको तो हाईएस्ट पॉइंट पे पता करना है। बोलो उसके बाद भी स्पीड अप करेगा, पहले रिटार्ट कर वाई डायरेक्शन में तो स्पीड अप करेगा ना वो, क्योंकि यहां से आते आते स्पीड तो जीरो हो गई, उसके बाद स्पीड वाई डायरेक्शन बढ़नी शुरू होगी ना, हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा, 60 से कम बताएगा, बोलो 60 से कम बताएगा, क्या ऐसा है क्या, बोलो ग्रेटर देन 60 स्मॉलर देन 60 इक्वल टू 60 या जीरो, बोलो। अच्छा मुझे ये बताओ कि हमने ये पढ़ा था फ्री फॉल, मोशन इन द ग्रेविटी पढ़ा था, फ्री फॉल किसको बोलते थे, ऑब्जेक्ट को थ्रो करो तो ऑब्जेक्ट पर पूरे रास्ते में सिर्फ क्या लगे, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसका एक्सेलरेशन किसके बराबर हो, जी के बराबर, ठीक। इसमें हमेशा इसका एक्सेलरेशन कहां पर है, डाउनवर्ड है, अर्थ नीचे खींचेगा, यानी इसका एक्सेलरेशन हमेशा क्या है, डाउनवर्ड है, तो इसका मतलब ये इसको जब ऐसे फेंका गया है, प्रोजेक्ट किया गया है, तो इसका एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड है, और डाउनवर्ड एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला क्या है, एम इंटू जी माइनस है, सही है। अब एक्सेलरेशन अगर डाउनवर्ड है तो अपने को पता है कि जब इसको यहां से थ्रो कर दिया गया तो ये फ्री फॉल में आ गया, क्योंकि इस पर सिर्फ क्या लग रहा है, एम जी लग रहा है, तो जो फ्री फॉल में होता है भाई उसका एक्सेलरेशन होता क्या है, जी के बराबर। अरे जो ऑब्जेक्ट को आपने थ्रो कर दिया उस पर सिर्फ क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, जी के बराबर होता है, तो ए की जगह जी पुट कर देते हैं, बोलो क्या आएगा, एम इंटू जी माइनस जी, आंसर क्या आएगा, जीरो रीडिंग बताएगा, मतलब जीरो रीडिंग बताएगा, मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे मैन और मशीन कॉन्टैक्ट में ही नहीं है, हवा में आ गया है वो, बात समझ आई, जीरो रीडिंग आएगी इसकी, बात समझ आई,
ऐसे सोचना है इसको, ठीक है ना। तो जब इसको यहां से फेंका गया है तो वो फ्री फॉल में आ गया। फ्री फॉल में मतलब ए का वैल्यू जी के बराबर वहां पर पुट कर दो, नीचे की तरफ ही तो एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेशन का डाउनवर्ड ही तो है। एक्स डायरेक्शन में तो हमने एक्सेलरेशन माना ही नहीं, हमारे सिलेबस में है ही नहीं कि प्रोजेक्टाइल को थ्रो करो और एक्स डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, हमारे सिलेबस में ही नहीं है। बात समझ आई? ऐसा चलो तो ये आंसर आएगा सर, जीरो आएगा, ठीक हर पॉइंट के लिए, ठीक है। चलो बर्ड केज प्रॉब्लम भी समझ लो क्या है ये बर्ड केज प्रॉब्लम, ठीक है। इसको समझो, इसके आंसर कभी कभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं थ्योरेटिकल, मैं आपको इक्वेशन से भी समझाता हूँ, ठीक है ना। आपने एक चिड़िया ली है, आपने एक केज लिया हुआ है। अब केज दो टाइप का है, एक है एयर टाइट ग्लास का केज, जैसे वो चूड़े वाले की बर्नी होती है हाँ वैसे एयर टाइट केज है, और एक वो पैरेट का पिंजरा देखा होगा जाली वाला, तो एक वो वाला वायर्ड केज है। तो दो टाइप के केजेस है, ठीक है ना। बर्नी में बर्न नहीं कर सकते, चिड़िया मर जाएंगी, ठीक है, हिजन नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पर भाई ऐसे ये फिजिक्स में हमको सीखना है ना, इसलिए बस बता रहे, ठीक है। उसको बर्नी में बंद नहीं कर सकते, ठीक है। चलो भाई, तो एक ग्लास केज है और एक क्या है वाइट केज है। अब क्या है इसको समझते हैं कि होता क्या है। होता ये है कि इसमें अलग अलग सिचुएशंस में आपको पूछा जाता है कि वेट बढ़ेगा कि घटेगा। भोग कर क्या रहे हम लोग, इसके बेस पे हमने वेइंग मशीन रख दी है ना, केज है अंदर बर्ड है, बर्ड और केज के बेस पे क्या रखी है हम लोग ने वेइंग मशीन। अब जैसे ही बर्ड क्या करेगा ऐसे पर मारेगी, बर्ड ऐसे जैसे ही पर मारेगा तो अपने को पूछा है कि उसका वेट बढ़ेगा घटेगा। बोलेगा वेट बढ़ेगा, वेट तो तब बढ़ता है जब बर्ड जाकर के उस पर क्या होगी ऐसे बैठेगी, लेकिन हवा में भी अगर वो पर मारेगी तो उसका वेट दिखाएगा मशीन। ऐसा क्यों तो मैं आपको भी थोड़ा सा समझाता हूँ, थोड़ा सा फ्लूइड का भी कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, पास्कल्स लॉ लगता है उसके थ्रू होता है। चलो समझने की कोशिश करते हैं हो क्या रहा है। अब ग्लास केज मतलब एयर टाइट, वायर्ड केज मतलब एयर टाइट नहीं है, एयर बाहर निकलेगी इसके अंदर, ठीक है। अब होता क्या है, अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए कि बर्ड, पहले ये देख लो, बर्ड फ्लीज विद अपवर्ड एक्सेलरेशन, बर्ड क्या कर रही है ऊपर के डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है, बर्ड का एक्सेलरेशन ऊपर है। अब होता क्या है, बर्ड अभी इस सिचुएशन में, मान लो ये वाली सिचुएशन में है, ऊपर की तरफ है, वो कैसे उड़ेगी बर्ड, ऐसे नीचे पर मारेगी तो अपने पर से एयर पे एक्शन करेगी, तो एयर क्या देगा उसको रिएक्शन। क्या आपको बात समझ आई, एक्शन करना मतलब एयर के पार्टिकल्स पे क्या लगाना, फोर्स लगाना, वो फोर्स एयर के थ्रू ट्रांसमिट होकर के कहां पहुंच जाएगा। हाँ ऐसे कैसे एयर के थ्रू ट्रांसमिट हो गया, बिल्कुल होता है, पास्कल्स लॉ यही तो बताता है। अगर कोई ऐसा कंटेनर है जो पूरी तरीके से एनक्लोज्ड है, अगर आपने उसके अंदर फ्लूइड भर दिया तो उसके एक फ्लूइड के एक पॉइंट पे आपने जितना फोर्स बढ़ाया, फ्लूइड के हर पॉइंट पे इक्वली उतना फोर्स बढ़ जाएगा, यही पास्कल्स लॉ है। अभी नहीं पता तो बस को याद रखो, ठीक है ना। तो अब देखो ये केज है, बर्ड अभी ये सिचुएशन में है, वो क्या कर रही है बर्ड पर मार रहा है, ऐसे पर नीचे की तरफ क्या कर दिया उसने एक्शन एयर पे, तो एयर ने उसको क्या दिया ऊपर की तरफ रिएक्शन। बात समझ आई, ठीक। बर्ड ने एयर पे जो एक्शन किया यानी फोर्स लगाया, वो फोर्स एयर के थ्रू ट्रांसमिट होकर के कहां पहुंचेगा, वेइंग मशीन पे। तो अगर वो वेइंग मशीन पे पहुंचा, एयर के पार्टिकल जाके टकराएंगे, टकराएंगे तो कुछ प्रेशर क्रिएट करेंगे, कुछ प्रेशर क्रिएट करेंगे तो प्रेशर गेज क्या करेगा उसको रिकॉर्ड करेगा, रिकॉर्ड करेगा मतलब क्या करेगा रीडिंग शो करेगा। बर्ड उस पर बैठी नहीं है, बर्ड सिर्फ क्या कर रही है पंख मार रही है, तब भी जाकर के वेइंग मशीन क्या बताएगी, रीडिंग बतानी शुरू हो जाएगी। बात समझ आई। सवाल ये आता है कि वेइंग मशीन जो रीडिंग बताएगी वो उसके वेट से ज्यादा बताएगी कि कम बताएगी, ये पूछा गया है बस। ये सब मैं किसकी बात कर रहा हूं, एयर टाइट केज की बात कर रहा हूं। बात समझ आई, वायर्ड केज में तो कोई चीज चेंज होने ही नहीं वाली, अभी समझाऊंगा क्या, ठीक है। चलो भाई अब क्या, तो बर्ड अगर ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करे, बर्ड क्या करे बोलो, अच्छा ये बर्ड है, बर्ड पे नीचे क्या लग रहा होगा, डेफिनेटली एमजी लग रहा होगा, अर्थ तो खींचेगा ना भाई, ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा बोलो, बर्ड ने अपने पर से क्या किया एयर पे एक्शन किया, तो एयर ने उसको क्या दिया रिएक्शन, तो ये ऊपर की तरफ क्या लगा रिएक्शन फोर्स। बर्ड ऊपर की तरफ क्या कर रही है एक्सेलरेट, फोर्स इक्वेशन लिखो एफ नेट बराबर एम ए लिखो जल्दी, बोलो नेट फोर्स, बोलो क्या आएगा, कहां एक्सेलरेशन है ऊपर, बोला ना अपवर्ड एक्सेलरेशन,
तो f माइनस एम जी किसके बराबर आएगा, एम ए के बराबर। यहां तक क्लियर है क्या? अब बोलो f इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, बोलो एम जी प्लस एम ए। एफ इक्वल्स टू क्या होगा, एम इंटू जी प्लस ए। अच्छा ये जो फोर्स है, यही फोर्स तो जाकर के किसको मिला, अरे ये जो उसने एक्शन किया वही तो वेइंग मशीन तक पहुंचा। जो वेइंग मशीन तक फोर्स पहुंचेगा वही उसको पुश करेगा, और जो फोर्स उसको पुश करेगा वही नॉर्मल रिएक्शन होगा। तो ये फोर्स असल में क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। एम इंटू बताओ क्या आ रहा है, बोलो ये जी एम जी प्लस एम ए। बोलो नॉर्मल रिएक्शन क्या है, वेट अपेरेंट। एम जी क्या है, वेट एक्चुअल। प्लस ए क्या है, एम ए, वेट बढ़ा के घटा। बड़ा अगर बर्ड का वेट mg है और बर्ड ऊपर की तरफ एक्सलेरेट करते हुए पर नीचे मार रही है, तो बताओ क्या होगा, वेइंग मशीन उसका ज्यादा वेट बताएगा। कब हो रहा है ये, बर्निंग के अंदर है बर्ड, एयर टाइट केज के अंदर है, एयर बाहर नहीं निकल सकती ना बाहर के एयर अंदर आ सकती। क्या आपको बात समझ आई, ऐसा है। चलो भी समझ आ रहा, कैसे आया वो समझाते। देखो क्या लिखा है, बर्ड फ्लीज विथ अपवर्ड एक्सेलरेशन, तो उसका वेट एयर टाइट केज में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या आपको बात समझ आई, बढ़ जाएगा मतलब वेइंग मशीन उसका ज्यादा वेट बटाना शुरू कर देगा, भले वो उस पर बैठे। हम तो बात किसकी कर रहे हैं, वो उड़ रही है तब की बात कर रहे हैं। क्या आपको बात समझ आई, ऐसा उड़ने के टाइम की बात कर रहे हैं, ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है। बर्ड फ्लीज विद डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, अब बर्ड क्या कर रही है, हंसना बंद करो ना क्लास के बाहर फेंक दूंगा उठा के, ठीक है। बोलो बर्ड क्या है, बोलो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन से जा रही है, ये एक्सेलरेशन है। नीचे तो एमजी डेफिनेटली लगेगा है ना, अब भी फोर्स तो ऊपर ही लगेगा ना, अरे पर नीचे मारेगी तभी तो फोर्स ऊपर लगने वाला है। ऐसा है, नीचे एमजी लग रहा है ऊपर एफ लग रहा है, बोलो जल्दी से क्या होगा, एमजी माइनस एफ इक्वल्स टू क्या होगा, एम ए होगा। एफ इक्वल्स टू क्या होगा, बोलो एमजी माइनस एम ए। ये फोर्स होगा वही तो नॉर्मल रिएक्शन है, ये क्या होगा एमजी माइनस एम ए। ये क्या है, वेट अपेरेंट। वेट अपेरेंट इज इक्वल्स टू क्या होगा, वेट एक्चुअल माइनस mg। तो अगर बर्ड ऐसे अपने पंख मारते हुए क्या करे, नीचे एक्सेलरेट करे, तो वेइंग मशीन क्या करेगी, कम वेट बताएगी, वेट डिक्रीजेस, अपेरेंट वेट डिक्रीजेस। क्या आपको बात समझ आई, वही लिखा हुआ है, चेक कर लो। देखो वही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि जब बर्ड फ्लीज विद अपवर्ड एक्सेलरेशन इंक्रीज हो जाएगा, बर्ड फ्लीज विद डाउनवर्ड एक्सेलरेशन तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद कॉन्स्टेंट कब रहेगा, बोलो कांस्टेंट कब रहेगा, जब बर्ड क्या करेगी, कांस्टेंट वेलोसिटी होनी चाहिए, कांस्टेंट वेलोसिटी चलेगी। गलत लिखा है, क्या होना चाहिए, कांस्टेंट वेलोसिटी। बर्ड फ्लीज विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ऐसे भी तो चल सकता है कांस्टेंट स्पीड से, ठीक है। क्या होना चाहिए, कांस्टेंट वेलोसिटी, बस समझ आई, ठीक है ना। कल वो बनाते टाइम ध्यान नहीं दिया मैंने, कांस्टेंट वेलोसिटी होना चाहिए, तो कांस्टेंट वेलोसिटी उसको चलना चाहिए, तब जाकर के क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा उसका वेट, जो वेट है वही वो शो करेगा, ठीक है ना। चलो भाई अब वाइड केज होगा, तो वाइड केज में क्या होगा, वाइड केज मतलब एयर टाइट नहीं है, है ना, एयर टाइट नहीं है। अब बताओ जैसे ही वो बर्ड क्या करेगी, पंख मारेगी, तो क्या होगा, एयर बाहर निकल जाएगी, तो कोई एयर जाकर के वेइंग मशीन को टकराएगी नहीं। जब टकराएगी नहीं तो प्रेशर नहीं होगा, प्रेशर नहीं होगा तो नॉर्मल रिएक्शन नहीं होगा, नॉर्मल रिएक्शन नहीं होगा तो रीडिंग नहीं होगी। हर एक में रीडिंग जीरो बताएगी, कुछ भी हो जाए, चाहे वो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जाए, एक्सलेट करते हुए ऊपर जाए, एक्सलेट करते हुए नहीं जाए, उसका रीडिंग जीरो होगा। क्यों, जैसे ही बर्ड पर मारेगी तो क्या होगा, एयर पे नीचे के डायरेक्शन फोर्स लगा, एयर क्या करेगी, वाइड केज ना बाहर निकल जाएगी। अरे भेजे में जा रहे क्या, चलो भाई। तो कहां पर ये सब किसके लिए पढ़ाया आपको मैंने, ग्लास केज के लिए, एयर टाइट कंटेनर, ये लिख लेना तुम लोग, इसके लिए मैंने पढ़ाया मैंने एयर टाइट कंटेनर के लिए। तो एयर टाइट कंटेनर के लिए मैंने आपको ये सब लिखाया है, ठीक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में बच्चे परेशान होते हैं बेकार में, ठीक है ना। चलो भाई इसमें इसमें कांस्टेंट होगा मतलब क्या, कांस्टेंट होगा मतलब क्या, एमजी के बराबर, किसके बराबर, एमजी के बराबर। लेकिन एक्सेलरेट, बोलो ना एमजी के बराबर कैसे होगा, बोलो ये बर्ड है ना, बोलो पर मारा ऊपर क्या मिला, रिएक्शन मिला, नीचे क्या है, एमजी, एक्सेलरेशन क्या है, बोला है ना उसने कि बर्ड फ्लीज विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन जीरो। तो एफ इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एम जी। एन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एम जी। वेट अपेरेंट इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, वेट एक्चुअल। तो अगर बर्ड कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है तो क्या होगा, बोलो बोले ले
बट अगर कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से बर्निंग के अंदर जा रही है तो जो उसका वेट है मशीन वही शो करेगी। ऊपर की तरफ एक्सेलेट करेगा तो वेट बढ़ेगा, नीचे की तरफ एक्सेलेट करेगा तो वेट घटेगा। अरे लिफ्ट वाले ही तो केस है, वैसे ही याद रखना है। ऊपर की तरफ एक्सेलेट करी बट तो वेट बढ़ेगा, नीचे की तरफ एक्सेलेट करे तो घटेगा। और अगर वाइड गेज है तो हर एक केस में रीडिंग जीरो आएगी। कॉन्स्टेंट की जगह लिख दूंगा मैं उसको जीरो लिखना है, कॉन्स्टेंट ही है ना, कॉन्स्टेंट वैल्यू जीरो, लेकिन क्या लिखना चाहिए असल में, जीरो रीडिंग आएगी, जीरो, कोई रीडिंग नहीं करेगा वो। क्यों? जो वो प्रेशर एग्जर्ट करेगा वो बाहर निकल जाएगा, एयर, एयर बाहर निकल गई तो वहां पे कोई प्रेशर एग्जर्ट होगा ही नहीं। क्या आपको समझ में आ रही है? ये बच्चों को कंफ्यूजन कभी कभी रहता है यहाँ पर कि एयर के थ्रू फोर्स कैसे ट्रांसमिट हो गया, तो आपको फिर फ्लूइड्स के लिए रुकना पड़ेगा, फ्लूइड्स में बताऊंगा आपको मैं। पास्कल्स लॉ बोलता है, पास्कल्स लॉ क्या कहता है, अगर आप किसी भी एक पॉइंट पे अगर आपने प्रेशर इंक्रीज कर दिया तो वो फ्लूइड के हर पॉइंट पे इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा। इसी के बेसिस पे हमारी जो गाड़ियों को लिफ्ट करते हैं बड़ी बड़ी, वो यही प्रिंसिपल पे काम करता है। आगे जाके बताऊँ, हम इतना इफेक्टिव प्रिंसिपल पढ़ेंगे, हम एक एंड पे चींटी रखेंगे और दूसरे एंड से हाथी उठा लेंगे। हाँ बिल्कुल पॉसिबल है ये, एक एंड पे चींटी रखेंगे और दूसरे एंड पे क्या कर देंगे, हाथी उठा लेंगे। नहीं लगता ना, अजीब लगता है, होगा लेकिन ऐसे, आगे बताऊँ, लेकिन टाइम बहुत लगेगा उसके लिए, ठीक है, वो आगे समझेंगे पास्कल्स लॉ, ठीक है। चलो आए, वो आपको समझ में आया है, ठीक है। तो ये टेबल बनाने का रीजन ये है कि इससे पूरी चीजें समराइज हो जाती हैं। मॉड्यूल में देखेंगे तो सारी लाइनों में लिखा हुआ है, टेबल बना करके बहुत आसानी से समझ में आ रहा था कब क्या हो रहा। अब आपको डायरेक्ट याद हो गया, बताओ क्या होगा। दो टाइप के बर्ड को दो टाइप के केज में रखना है, एक कौन सा, एयर टाइट और एक क्या, वाइड, है ना। एयर टाइट मतलब ग्लास केज और दूसरा क्या है, वाइड केज। अब बताओ, सब हम लोग किसके लिए पढ़े, इक्वेशन वगैरह सब सब एयर टाइट के लिए पढ़े। एयर टाइट में क्या होगा, बोलो जल्दी से, बर्ड क्या करेगा, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चले, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चले तो क्या आएगा, जो वे जो उसका एक्चुअल वेट है वही अपरेंट होगा, बात समझ आई। उसके बाद अगर वो कॉन्स्टेंट अपर एक्सेलेरेशन से जाए तो, अपर एक एक्सेलेरेशन से जाए तो वेट इंक्रीज होगा, मतलब रीडिंग ज्यादा बताएगा, अपरेंट वेट बढ़ेगा, बात समझ आई। हवा में उड़ रहा है तब भी वेट बताएगा, चिड़िया हवा में उड़ रही है तब भी जो आपकी वेइंग मशीन है वो क्या करेगी, रीडिंग बताएगी। ऐसा क्यों है, एयर के थ्रू फोर्स ट्रांसमिट कर जाएगा, ठीक। चलो भाई आगे, और अगर डाउनवर्ड एक्सेलेरेट करेगा तो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखना। बाकी सब में तो रीडिंग क्या बताएगा, जीरो ही बताएगा, कॉन्स्टेंट नहीं, मुझे जीरो लिखना चाहिए था, उसको जीरो कर दूंगा, जीरो रीडिंग बताएगी, ठीक है ना। चलो भाई आगे देखेंगे, इसको बना लो, बर्ड केज प्रॉब्लम लिखो, डायग्राम जैसे बनता है बना लो, बाकी टेबल कॉपी कर लो। डायग्राम की जरूरत वैसे नहीं है, यहाँ से लिख देंगे तो समझ में आ जाता है, ठीक है। बस इसमें और इसको एडिट कर दूंगा मैं, इसको जीरो कर दूंगा और इसको इक्वल्स टू एम जी कर दूंगा। इसमें क्या लिखना, एयर टाइट लिख देना, और इसमें लिखना नहीं, वायर के जो समझ में आता है, नो एयर टाइट, नो एयर टाइट, नॉट एयर टाइट, आगे चलते हैं। हाँ, मोशन ऑफ बॉडीज इन कॉन्टैक्ट, इसको थोड़ा समझ लेते हैं कैसे निकालना, ठीक है। चलो भाई देखो, तो ये कैसे सॉल्व करना है मोशन ऑफ बॉडीज इन कॉन्टैक्ट में, इसमें जनरली दो चीज़ें पूछी जाती हैं। क्या पूछा जाता है कि ऐसे बॉडीज कॉन्टैक्ट में, बॉडीज कॉन्टैक्ट में M1 मास, M2 मास, अच्छा बताओ ये एक्सेलेरेट करेंगे खुद ब खुद, इनकी वेलोसिटी अभी जीरो है तो क्या खुद ब खुद एक्सेलेरेट कर सकते हैं, नहीं, क्यों नहीं कर सकते। हाँ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही तो कहता है, खुद ब खुद एक्सेलेरेट नहीं कर सकते, चलो नहीं कर सकते, फोर्स लग नहीं रहा है इनके भी, ये कॉन्टैक्ट में तो है, इनके बीच में नॉर्मल रिएक्शन है कि नहीं है, नहीं है, कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं है। नॉर्मल रिएक्शन जीरो के दो मतलब है, क्या, एक तो कॉन्टैक्ट छूटे और एक अपियरिंग कॉन्टैक्ट, तो समझे क्या, नॉर्मल रिएक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन एक पुशिंग फोर्स है, क्या इसको ये धक्का मार रहा है। ऐसी बात है कि अगर मैं ये ऐसे दो ऑब्जेक्ट्स को ऐसे, इसको ऐसे सटा के रख दूं, कॉन्टैक्ट तो है तो क्या इसको धक्का मार मार के उधर भेज देगा, ये नहीं भेज सकता, क्यों, हाँ नहीं है इनके बीच में नॉर्मल रिएक्शन, अब है कि नहीं बताओ, हाँ धक्का मार रहा है, समझे क्या, नॉर्मल रिएक्शन नहीं है। नॉर्मल रिएक्शन कब आएगा, जब यहां से आपको फोर्स लगा देंगे, अब नॉर्मल रिएक्शन आएगा, अब ये पूरा सिस्टम बन करके आगे चलेगा और इनके बीच में क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन आएगा,
अब शायद क्लैरिटी आई। तो नॉर्मल रिएक्शन जीरो का मतलब या तो कॉन्टैक्ट ही नहीं है या तो अपियरिंग कॉन्टैक्ट है। बात समझ आई? क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन एक धक्का फोर्स है। कैसा फोर्स है? धक्का फोर्स। चलो ये समझ में आया कुछ। ऐसे टाइप के प्रॉब्लम होते हैं, दो ब्लॉक दे देंगे, तीन ब्लॉक, चार ब्लॉक, ऐसे पांच ब्लॉक दे देंगे और आपको बोलेंगे पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालो। ऐसे अगर आप क्या करेंगे, यहाँ पर इस पर फोर्स लगाएंगे तो पूरा सिस्टम क्या करेगा, एक साथ आगे बढ़ेगा, है ना। तो पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालो, या फिर बोलेगा कि इनके बीच में क्या बताओ, नॉर्मल रिएक्शन फाइंड आउट करो। ठीक है, तीन ब्लॉक होंगे तो बताओ क्या होगा, यहाँ पर अलग नॉर्मल रिएक्शन होगा, एन टू एन टू, ये वाला नॉर्मल रिएक्शन बताओ। बात समझ आई? तो दो ही टाइप के सवाल इसमें जनरली पूछे जाते हैं। पहला सवाल क्या पूछते हैं, पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन बताओ, और दूसरा सवाल क्या पूछते हैं, अरे बोलो इनके बीच में नॉर्मल रिएक्शन कितना है। फोर्स नहीं है तो नॉर्मल रिएक्शन नहीं, फोर्स आ गया तो नॉर्मल रिएक्शन आ गया, धक्का मारना शुरू करेंगे एक दूसरे, ऐसा है। क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है तो ये रुकेंगे नहीं, एक बार फोर्स लगा वो चलना शुरू कर देंगे एक सिस्टम बन के। तो दो टाइप के सवाल यहाँ पर पूछे जाते हैं। मैं आपको इसका पहले एक्चुअल बेसिक मेथड बताता हूँ, फिर मैं आपको उसकी ट्रिक भी बताता हूँ, लेकिन ट्रिक यहाँ पर कंडीशनल है, हर जगह नहीं लगने वाली ट्रिक। ठीक है, बताता हूँ कैसे क्या है। ठीक है, आपको कहीं कहीं पर आपको एफबीटी बनाना ही पड़ेगा, उसके बगैर आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलो भैया समझाता हूँ। एक्सेलरेशन तो हमेशा ही लगेगा, एक्सेलरेशन क्या होगा अभी समझा देता हूँ मैं आपको। पहले सबसे पहले एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहला स्टेप होता है कि जैसे ही यहाँ पर फोर्स लगा तो दोनों डब्बों को एक सिस्टम मान लो, एम वन मास प्लस क्या ये एम टू मास, दोनों क्या करेंगे, ए एक्सेलरेशन चलेंगे और एफ इस पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है ना। तो एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला होता है एफ नेट बाय एम नेट। क्या फॉर्मूला होता है? एफ नेट बाय एम नेट। नेट फोर्स कितना लग रहा है? एफ लग रहा है। डिवाइड बाय नेट मास कितना है? एम वन प्लस एम टू। डायरेक्ट एक्सेलरेशन आ गया है ऐसे। बात समझ आई? हमेशा लगेगा ये। क्लियर है क्या? चलो भाई समझ में आता है। उसके बाद क्या नॉर्मल रिएक्शन पता करना है। नॉर्मल रिएक्शन पता करने के लिए सेकेंड स्टेप पे आ जाओ। सेकेंड स्टेप में दोनों का एफ बी डी बनाओ, एम वन का एफ बी डी बनाते हैं। एम वन पे किधर फोर्स लग रहा है? एफ इधर लग रहा है। ठीक है ना, अब ये दोनों कॉन्टैक्ट में, तो ये इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा, इसका नॉर्मल रिएक्शन पता करना है तो क्या कर दो, दूसरे ब्लॉक पे बैठो, उसको धक्का मार दो। ठीक है, तो बताओ इधर पे क्या आ जाएगा इसका नॉर्मल रिएक्शन, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में। समझ गए? बताओ इसका एफ बी डी बनाओ, एम टू का, बोलो जल्दी से। एम टू का एफ बी डी में, एम टू पे सिर्फ क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन। एम टू पे कोई डायरेक्ट फोर्स लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है। तो एम टू पे बताओ किधर लगेगा, एम टू पे नॉर्मल रिएक्शन निकालना है तो क्या करेंगे, दूसरे ब्लॉक पे बैठेंगे, इसको धक्का मार देंगे। तो बताओ नॉर्मल रिएक्शन किधर आएगा, इधर आएगा। नॉर्मल रिएक्शन किधर एक्सेलरेट कर रहा है, इधर। ये कौन है? एम टू। ये कौन है? एम वन। दोनों पे लिखो एफ नेट बराबर एम ए। बोलो नेट फोर्स कितना है, किधर एक्सेलरेट कर रहा है, एफ के डायरेक्शन, मतलब ये बड़ा फोर्स है। एफ माइनस एन इज इक्वल टू क्या होगा, एम वन इंटू ए। बताओ इसको उधर भेज दो, तो F माइनस एम वन ए किसके बराबर आया, नॉर्मल रिएक्शन के बराबर आया। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ से भी नॉर्मल रिएक्शन निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर भी क्या लिखो, F नेट बराबर एम ए लिखो। एक ही फोर्स लग रहा है, कौन सा, ये नॉर्मल रिएक्शन। मास कौन सा है, एम टू, एक्सेलरेशन ए। यहाँ से और आसानी से आ जाएगा। बात समझ रही? दोनों ही ब्लॉक के एफ बी डी से हम लोग नॉर्मल रिएक्शन निकाल सकते हैं। ज़्यादा आसान कौन सा है, जिस पे सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, वहाँ से सिर्फ अपने को क्या करना है, मास और एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करना है, डायरेक्ट नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा। यहाँ तक कुछ क्लियर हुआ क्या? ऐसे ऐसे इसको निकालते हैं। अब क्या, तो बेसिकली अपने को ये समझ आया कि अगर अपने को इस टाइप के सवाल आए, मोशन ऑफ बॉडीज इन कॉन्टैक्ट, मोशन ऑफ बॉडीज इन कॉन्टैक्ट, ब्लॉक ब्लॉक कॉन्टैक्ट में है, हम क्या कर रहे हैं, इस पर फोर्स लगा रहे हैं, तो दो ही टाइप के जनरली सवाल बनते हैं इसके अंदर। सबसे पहला सवाल सिस्टम का एक्सेलरेशन बताओ, दूसरा सवाल नॉर्मल रिएक्शन बताओ। आपको एफबीडी बताया मैंने कैसे बनाते हैं एफबीडी, है ना। अब मैं आपको उसकी ट्रिक समझा देता हूँ कैसे निकालेंगे। सबसे पहले ट्रिक तो नेट एक्सेलरेशन निकालने की। क्या फॉर्मूला है, एफ नेट बाय एम नेट। नेट फोर्स देखो, डिवाइड बाय नेट मास देखो, दोनों को डिवाइड करो, सीधा एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है ना, चलो भी। तो सबसे पहले क्या आएगा बोलो, सबसे पहला है एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू एफ नेट बाय एम नेट। नेट एक्सेलरेशन है, टोटल है। एफ नेट कितना है, एफ है। टोटल मास कितना है बोलो, एम वन प्लस एम टू। आ गया आंसर, देखो आंसर, उतना सब सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं, एक लाइन में आंसर। क्लियर है? सेकंड पार्ट में क्या निकालना है इसका, नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। क्या निकालना है, नॉर्मल रिएक्शन। ध्यान से सुनना, यहां से पुश कर रहा है, ये सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, यहां से पार्टीशन कर दो, यहां से पार्टीशन कर दो। पार्टीशन कर दिया, पार्टीशन करने के बाद आगे वाला मास देखो, आगे वाला मास कौन सा है, एम टू। तो नॉर्मल रिएक्शन आएगा एम टू इंटू ए।
अगर आगे दो मासेस होते M2 और M3 तो क्या लिखते M2 plus M3 into है, आंसर चेक कर लो, M2 into A कितना है बताओ, A कितना है F upon M1 plus M2, M2 into F upon M1 plus M2, एक लाइन में आंसर। लेकिन ये ट्रिक तभी लगाना नॉर्मल रिएक्शन की जब एक ही साइड से फोर्स लग रहा है, अगर दोनों साइड से फोर्स लगे तो ये ट्रिक काम में नहीं आएगी, एफबीडी से ही सॉल्व करना पड़ेगा। बात समझ आई, ये नोट ऐड कर दूंगा मैं उसके अंदर, ये ट्रिक तभी लगाना है जब बोलो एक ही साइड से फोर्स लग रहा है, या तो इस साइड से या तो उस साइड से, अगर दोनों साइड से फोर्स लगेगा तो आप नॉर्मल रिएक्शन ऐसे नहीं निकाल सकते, एफबीडी से ही निकालना पड़ेगा फिर। समझ आएगा, चलो छापो, हेडिंग लगाओ, मोशन ऑफ बॉडीज इन कॉन्टैक्ट, मोशन ऑफ बॉडीज इन कॉन्टैक्ट। मोशन ऑफ बॉडीज इन कॉन्टैक्ट, मोशन ऑफ बॉडीज इन कॉन्टैक्ट, ठीक है। उसके अंदर आप लोग जो है इसको निकालने का, ठीक है, डायग्राम बना लो। डायग्राम बनाओ, फिर एक्चुअल मेथड से निकालोगे पहले, वो भी लिख लो, एक्चुअल मेथड से कैसे निकालेंगे ना, वो भी लिख लेते। तो एक्चुअल मेथड से निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल मेथड से निकालने के लिए हम लोग इसका एफबीडी बनाना पड़ेगा। M1, M2, इधर पे क्या लग रहा है, F लग रहा है, सही है। बताओ M1 का एफबीडी बनाते हैं, एफबीडी बनाना पड़ेगा दोनों का, ठीक है, M1 का एफबीडी बनाते हैं, M1 का। बताओ M1 पे बोलो इधर फोर्स लगेगा, दिख ही रहा है राइट में फोर्स लग रहा है, राइट में फोर्स बना दिया। अब देखो ये दोनों कॉन्टैक्ट में फोर्स लग रहा है, मतलब इन दोनों के विषय क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन। अब किसका नॉर्मल रिएक्शन कौन सा है वो कैसे पता करेंगे, बोलो M1 पे निकालना है तो M2 पे बैठो धक्का मार दो, तो ये वाला उसका नॉर्मल रिएक्शन होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन। किधर एक्सेलरेट कर रहा है सिस्टम, इधर, ये माना है हमने कि सिस्टम ये डायरेक्शन में क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। बोलो कैसे लिखेंगे, बताओ जल्दी से क्या लिखेंगे बच्चों, F net is equals to ma लिखेंगे, नेट फोर्स बताओ जल्दी, ये डायरेक्शन में फोर्स, वो डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन, बोलो F minus n is equals to मास क्या है, m1 into a, बोलो F is equals to क्या आएगा, बोलो जल्दी n को उधर भेज दो, बोलो क्या आएगा, n plus m1 a, सबको समझा, इसको इक्वेशन वन दे देंगे। m2 का FBD बनाओ, m2 का बोलो जल्दी से, m2 पे सिर्फ कौन सा फोर्स लग रहा है बोलो, नॉर्मल रिएक्शन, और कोई फोर्स तो दिख ही नहीं रहा है कि और कोई फोर्स लग रहा है। अब M2 पे अगर नॉर्मल रिएक्शन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, M1 पे बैठो M2 को धक्का मार दो, तो नॉर्मल रिएक्शन इस पे से भी आएगा, नॉर्मल रिएक्शन इधर क्या लग रहा है, एक्सेलरेशन, क्या लिखेंगे बोलो, F net बराबर ma, F net सिर्फ एक ही तो फोर्स लग रहा है, n उल्टा तो फोर्स है ही नहीं, इज इक्वल टू मास कितना है, M2 into a। अब देखो नॉर्मल रिएक्शन आ गया, नॉर्मल रिएक्शन यहां पुट कर देते हैं, बोलो क्या आएगा जल्दी बताओ, F is equals to, बोलो क्या होगा नॉर्मल रिएक्शन, क्या होगा M2A plus क्या आएगा M1A, A को कॉमन ले लो क्या बचेगा M1 plus M2, और ये क्या आया F आया, तो यहां से बताओ जल्दी से क्या आएगा, therefore A क्या आएगा बोलो F upon M1 plus M2। तो actual method से जाएंगे तो इतना स्ट्रगल करने के बाद यहां पहुंचेंगे, क्या आपको बात समझ आई, हमने तो एक लाइन में आंसर निकालना सीखा, ये फॉर्मूला तो हमेशा ही लगेगा, बात समझ आई, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन वाला फॉर्मूला सिर्फ तब लगेगा जब एक साइड से फोर्स लग रहा है, दोनों साइड से फोर्स लगेगा तो फिर एफबीडी बनाना पड़ेगा, इसलिए एफबीडी बनाना सिखा रहा हूं मैं, क्योंकि काम का है वो, आया एग्जाम में, ये नीट में आया, आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है, चलो आई होप आपको समझ में आया, कॉपी कर लो फटाफट से, ये तो हो गया। अगर तीन डब्बे होंगे तो अब सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर बताओ, तीन डब्बे होंगे तो दो की जगह तीन डब्बे हैं, बोल रहे है? सबसे पहले सबसे पहला सवाल, नेट एक्सेलरेशन क्या होता है, एफ नेट बाय एम नेट, नेट फोर्स कितना है एफ है, और कोई दूसरा फोर्स है क्या उल्टे डायरेक्शन में, अगर यहाँ होता एफ वन वहां होता एफ टू, इधर एक्सेलरेट कर रहा है तो क्या लिखते, एफ वन माइनस एफ टू ऐसे लिखते, ठीक है ना, चलो अब तो नेट फोर्स से एफ लग रहा है, एम नेट क्या आएगा, एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री, हो गया,
सेकेंड पार्ट, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ अलग होगा, एन वन होगा यहाँ पर और यहाँ अलग होगा, अरे समझ आ रहा है क्या, एन टू होगा। अरे दो अलग मासेस है तो उनके बीच में नॉर्मल रिएक्शन अलग होगा, यहाँ पर अलग होगा। अब नॉर्मल रिएक्शन एन वन निकालना है, क्या तरीका, एक ही साइड से फोर्स से चेक करो, क्या करो, यहाँ निकालना है, पार्टीशन करो, आगे का मास देखो कौन सा है, एम टू प्लस एम थ्री, एम टू प्लस एम थ्री इंटू ए, एन टू बोलो इधर निकालना है, बोलो जल्दी, एम टू इधर निकालना है ना, उसके आगे का मास देखो, हाँ एम थ्री इंटू ए, समझ गए, तो डायरेक्ट डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर है क्या। यहाँ तो ये फॉर्मूला है एन टू का, अरे ए का वैल्यू पुट कर दिया उसने, वही लिखा है, चेक करो, एम थ्री इंटू ए क्या होता है, एफ अपॉन एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री, वही लिखा हुआ, ए का वैल्यू पुट कर दिया उसने, समझ गए क्या। तो एक एक लाइन में आंसर आ जाएगा, लेकिन क्या क्वेश्चन है बोलो, हाँ तभी अप्लाई करना है नॉर्मल रिएक्शन का शॉर्टकट जब एक ही साइड से फोर्स लग रहा है, दोनों साइड से लगा तो एफबीडी मेथड से ही जाना है आपको, ठीक है। चलो डायग्राम बनाओ, फॉर्मूला लिख लो, क्या लग रहा है, एफ लग रहा है, ठीक है, और कोई फोर्स यहां पर लग रहा है क्या, अरे लग रहा है ना भाई, नॉर्मल रिएक्शन है ना इनके बीच में, फिर एम टू पे बैठो धक्का मार दो, बोलो उधर पे क्या आएगा, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन इधर क्या कर रहा है, एक्सेलरेशन, एम टू इक्वेशन लिख लेंगे ना, इक्वेशन बताओ क्या आएगा, एफ माइनस एन इक्वल टू एम वन इंटू ए, वेरी गुड, एम टू के लिए लिखो, बोलो जल्दी से क्या होगा, एम टू पे कौन सा फोर्स लग रहा है, एम टू दो सरफेस के कॉन्टेक्ट में, तो बेटा दो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, एक तो इधर नॉर्मल रिएक्शन दोनों का था, एक इधर नॉर्मल रिएक्शन एन टू दोनों का था, अब बताओ M2 पे नॉर्मल रिएक्शन निकालना इसके वजह से, तो इस पे बैठो धक्का मार दो, बोलो वो डायरेक्शन में क्या आएगा बताओ, N1 आएगा, सही है, M2 पे नॉर्मल रिएक्शन निकालना इसके वजह से, इस पे बैठो धक्का मार दो, बोलो इधर पे क्या आएगा, N2, समझ आया, इधर एक्सेलरेशन, इक्वेशन बताओ क्या आएगा, N1 minus N2 is equals to M2 into A, वेरी गुड, अब बताओ M3 का बताओ, M3 पे एक ही तो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, नहीं समझता है, अब नॉर्मल M3 किसके कॉन्टैक्ट में, M2, M2 पे बैठो धक्का मार दो, उधर आएगा, बोला क्या आएगा, N2 और ये A, तो N2 किसके बराबर आएगा, M3 into A के बराबर, समझ गए, ऐसे निकालना, बाकी आप कर लेंगे, मैंने आपको समझा दिया जो है, चलो सॉल्व करो फटाफट, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, पेन मत उठाओ, डायरेक्ट आंसर बताओ, एक साइड से फोर्स लग रहा है 2 किलो 3 किलो, एफ नेट बाय एम नेट बताओ, एफ नेट कितना है 30, एम नेट कितना है 5, 6 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्ट आंसर, ठीक। अब बताओ आगे, कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन 2 एंड 3, बोलो फोर्स के डायरेक्शन से पार्टीशन करना है, ऐसे बोलो, यहां से पार्टीशन किया 3 इंटू ए, 3 इंटू 6, 18 न्यूटन, आंसर समझा क्या, एक्सेलरेशन क्या आया बोलो, एक्सेलरेशन आया एफ नेट बाय एम नेट, एफ नेट कितना है 30, एम नेट कितना है 5, 5 × 5 = 6 meter per second square, सेकेंड पार्ट बोलो जल्दी से, नॉर्मल रिएक्शन पता करना है, उसके डायरेक्शन से पार्टीशन किया, आगे वाला मास कितना है 3, एक्सेलरेशन कितना है 6, 18 न्यूटन, आंसर क्लियर है, चलो ओके, एक्सेलरेशन बताओ, पेन नहीं उठाना है, डायरेक्ट आंसर बताओ, एक्सेलरेशन एक साइड से फोर्स लग रहा है, बोलो एफ नेट बाय एम नेट, एफ नेट कितना है 60, एम नेट बताओ 10, 6 meter per second square, एक्सेलरेशन, नॉर्मल रिएक्शन बताओ, इधर से पार्टीशन करो 8 × 10 = 80 और फिर 5 × 10 = 50, खत्म, क्लियर है, डायग्राम बनाओ, पेन नहीं उठाना है, ठीक है, अच्छा डेटा उसमें है तो थोड़ा आप यूज कर सकते हैं, बोलो एक्सेलरेशन बोलो, फोर्स कितना है पी, नेट मास बोलो 5 m, एक्सेलरेशन आ गया, बोलो फोर्स बिटवीन ए बी, मतलब इनके बीच में फोर्स, इनके बीच में कौन सा फोर्स होगा, नॉर्मल रिएक्शन, वही बोला है, समझे क्या, नॉर्मल रिएक्शन पता करना है, बोलो इधर से पार्टीशन किया कितना आएगा, बोलो फोर्स ए बी बोलो कितना आएगा, अरे 4 m × acceleration p/5 m, बोलो कितना आएगा 4 p/5, समझ गए, ठीक है ना, फोर्स बिटवीन बी सी बोलो 3 m और ये 3 p/5, सी डी बोलो 2 p/5, फिर p/5, इजी, डायग्राम बताओ, एक्सेलरेशन बताओ, एक्सेलरेशन बताओ क्या आएगा, अरे नेट फोर्स बाय नेट मास, एफ नेट बाय एम नेट, एफ नेट बताओ जल्दी से क्या आएगा, एफ नेट कितना है 300 - 120, ये पॉजिटिव वो नेगेटिव हो जाएगा, डिवाइड बाय नेट मास कितना आएगा 30,
बोलो कितना आएगा 180/30 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड पार्ट कॉन्टैक्ट फोर्स पार्टीशन कर दो, नहीं कर सकते क्या? क्यों नहीं कर सकते? एग्जैक्टली शॉर्टकट नहीं लगेगा यहाँ पर, बात समझ आई? शॉर्टकट मत लगाना, ठीक है? एफबीडी बनाना पड़ेगा, है ना? तो इनके बीच में नॉर्मल रिएक्शन तुम बना लिया करो। एक सरफेस होगा तो N1 N1 लिख लेना, दो सरफेस होंगे तो N2 N2 लिख लेना। अब 20 किलोग्राम का एफबीडी बनाओ, बोलो 20 किलोग्राम पे यहाँ क्या लग रहा है? 300 न्यूटन। इधर पे क्या लग रहा है बोलो? इसका अच्छा ये डायरेक्शन में आएगा क्या? चेक करो पहले, उस पे बैठो धक्का मार दो, ठीक है? बोलो ये डायरेक्शन में आएगा, ये क्या आएगा? N1। इधर पे क्या कर रहा है? एक्सेलेरेट, कितने से एक्सेलेरेट कर रहा है? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो क्या आएगा? 300 - N1 किसके बराबर? 20 × 6 के बराबर। समझा क्या किया मैंने? क्या लिखा है? एफ नेट बराबर एम ए लिखा है। आ जाएगा ना ऐसे N1 आराम से आ जाएगा। यहां से भी निकाल, बताओ कितना आएगा N1? बोलो ये इसे कितना हो जाएगा? 6 × 2 = 12 180 न्यूटन आएगा, तो 180 न्यूटन आ जाएगा, सही है क्या? दूसरे से भी निकाल के चेक करते हैं। बताओ इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है? बोलो इस पे कौन सा लग रहा है? अच्छा ये 10 किलोग्राम है, 10 किलोग्राम पे इस डायरेक्शन में तो 120 नजर आ रहा है। इस पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा कॉन्टैक्ट में, तो क्या करना पड़ेगा? 10 किलोग्राम पे निकालना है, तो 20 किलो पे बैठो धक्का मारो। तो इधर पे क्या लगेगा? इस पे N1 लगेगा। एक्सेलरेशन तो पूरे सिस्टम का इधर ही है, कितना है वो? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो इधर जा रहा है मतलब N1 - 120 किसके बराबर आएगा? 10 × 6 के बराबर। बोलो इन से कितना आएगा? ये कितना आ जाएगा? 60 और 120 प्लस करोगे तो कितना आया? 180। दोनों से आंसर सेम आया। अब किसी का भी एफबीडी बना के निकाल सकते हैं। आपको बात समझ आई? ऐसे निकालना है इसको, ठीक है ना? घर पे ट्राई कर लेना इसको। आई होप आपको समझ में आया है, ठीक है ना? चलो चलो डायग्राम बना लो, घर पे ट्राई करना है इसको फिर से एक बार। जल्दी करो, जल्दी खत्म करना है मुझे, 3 पेजेस बचे हैं खत्म करना। चलो ठीक है, चलो चलो सॉल्व करो। बताओ एफ नेट बाय एम नेट आएगा कि नहीं? एफ नेट कितना है बोलो? 200 - 50 कितना आएगा? 150। एम नेट कितना है? 30। बताओ बताओ एक्सेलेरेशन बताओ कितना आएगा? गधे हो तुम, गधे। गूगली क्वेश्चन है तभी वो लगाया मैंने। वो दोनों में फोर्स उल्टे डायरेक्शन में, ये सिस्टम बन के एक्सेलेरेट करेंगे क्या? ये अपना अपना एक्सेलेरेशन करेंगे, इंडिविजुअली निकालना पड़ेगा, समझे? अरे नहीं समझे क्या? इधर थोड़ी फोर्स लग रहा है, फोर्स तो इधर लग रहा है, इधर फोर्स लगाना, दोनों सेपरेट हो जाएंगे वो। बोलो अपना अपना सेपरेट मोशन परफॉर्म करेंगे। बोलो इसका कितना आएगा? बोलो इसका कितना आएगा? इस पे सिर्फ 200 लगा, इस पे सिर्फ 200 लगा, 200 न्यूटन कितना है? 20 किलो। इसका एक्सेलरेशन इधर होगा। बोलो एफ नेट बराबर एम ए लिख दो, नेट फोर्स कितना है? 200, और कोई फोर्स है ही नहीं उस पे, वो तो उस पे लग रहा है ना। फिर इसका मास कितना है? 20। एक्सेलरेशन ए बोलो क्या होगा? ये आएगा 10। एक्सेलरेशन आया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किसका? 20 किलो का, ठीक है? इसका बताओ जल्दी से क्या होगा? 50 = 10 × इसका A2 एक्सेलरेशन होगा। A2 किसका है? वो 10 किलोग्राम वाले का। बोलो कितना आएगा? 5। 10 किलोग्राम वाले का आएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस समझ आई? एक टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते करते बच्चा वही फॉर्मूला लगाने लगता है, क्वेश्चन पे फोकस ही नहीं करता है वो। अच्छा हम आ गए दोनों, ठीक है ना? तो बच्चा इस पर फोकस ही नहीं करता कि दोनों फोर्स के डायरेक्शन क्या है? उल्टे हैं। उल्टे डायरेक्शन में दोनों साथ में चलेंगे ही नहीं। हम ये फॉर्मूला तब लगा पाते हैं A = F net / M net जब हमें सोचते हैं कि पूरा सिस्टम एक बन करके आगे चल रहा है, यहाँ तो हो ही नहीं सकता वो ऐसा। क्या आपको बात समझ आई? तो यहाँ पर तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है? तो ऐसे सॉल्व करेंगे। तो गूगली क्वेश्चन, नॉर्मल रिएक्शन बताओ, कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब नॉर्मल रिएक्शन, कितना होगा नॉर्मल रिएक्शन? अरे जीरो, कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं है। जैसे ही खींचेंगे कॉन्टैक्ट खत्म, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या है? जीरो। गूगली क्वेश्चन, ठीक है ना? चलो ये भी हो गया, चलो फटाफट बना लो उसको, फटाफट लिखो। एक क्वेश्चन भी हो गया, आगे चलते हैं। अब वो लगाया मैंने मतलब और खतरनाक सवाल है। क्वेश्चन कॉपी कर लो, ट्राई करके आना, कल डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? इसमें क्या है बस सुनो, वैसे आपको अभी समझा ही दिया मैंने, क्वेश्चन क्या है समझा देता हूं मैं, उसको ट्राई करना क्या है। आपको पता है इसका एक्सेलेरेशन वगैरह कैसे निकालना है, वो आप लोग ट्राई कर लेना। ये क्वेश्चन में क्या है, दो ब्लॉक है,
दो किलोग्राम पांच किलोग्राम का कॉन्टैक्ट में है फ्रिक्शनलेस टेबल पे, एफ फोर्स लग रहा है 35 न्यूटन स्मॉल एम पे, फाइंड द फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द ब्लॉक्स, फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट बताओ कितना आएगा, ये 35 लग रहा है और अपने को फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब नॉर्मल रिएक्शन, पहले क्या निकालना पड़ेगा उसके लिए एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होगा बोलो जल्दी से, एफ नेट बाई एम नेट, एफ नेट कितना है 35, एम नेट कितना है 7, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विल बी द एक्सेलरेशन, नॉर्मल रिएक्शन बताओ, पार्टीशन करो, आगे वाला मास कितना है 5 इंटू ए 25 न्यूटन का क्या आया कॉन्टैक्ट फोर्स आया, अब आगे क्या बोलता है, विल द फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट रिमेन सेम इफ एफ इज अप्लाइड टू कैपिटल एम, अगर हम लोग एफ कैपिटल एम पे लगाते हैं तो क्या नॉर्मल रिएक्शन बदलेगा, चेक कर लेते हैं, यहां से लगाओ इधर से पार्टीशन करो, अब मास आगे वाला कौन सा होगा 3, 2, 2 इंटू 5 10 न्यूटन, जो मैंने आपको पहले बताया कि नॉर्मल रिएक्शन इस बात पे डिपेंड करता है कि फोर्स कौन से डायरेक्शन से लग रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन इस पे डिपेंड ही नहीं करता, यहां से फोर्स लगा दो, यहां से फोर्स लगाओ 35 न्यूटन का फोर्स लगाओ, एफ नेट बाय एम नेट, एफ नेट कितना है 35, एम नेट कितना है 7, 35 बाय 7 5, तो एक्सेलरेशन इस बात पे डिपेंड नहीं करता, फोर्स यहां से लगाओ वहां से लगाओ एक्सेलरेशन तो वही आएगा, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन इस बात पे डिपेंड करता है कि फोर्स आपने इस साइड से लगाया कि उस साइड से, नॉर्मल रिएक्शन बदल जाएगा, एक दूसरे को पुश करने का जो फोर्स है वो बदल जाएगा, बात समझ आई, तो ये डेमोन्स्ट्रेट करता है ये क्वेश्चन, और इससे रिलेटेड मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आपको करा दिए आज, अब जो है इसके बाद हम लोगों को स्टार्ट करना है फिर अभी रस्सी वाले प्रॉब्लम, ठीक है, कल तो क्लास नहीं होगी, सैटरडे को पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना, चलो पैक जल्दी, मिस बैठे हैं फटाफट।